नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी का स्वागत है। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम राजस्थान के मेले एवं त्योहारों का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने चैत्र माह तक आने वाले त्योहारों का अध्ययन कर लिया था। अब उसके बाद आगे आने वाले त्योहारों और मेलों का अध्ययन करेंगे। चलिए चलते हैं। जो अगला हमारा त्यौहार है वो है गीता गणगौर। गीता गणगौर कब आती है? चैत्र के बाद जो महीना आता है वैशाख। वैशाख कृष्ण तृतीया को, यानी गीता गणगौर है वो वैशाख महीने की कृष्ण तृतीया को आती है। ये गणगौर मूल रूप से तो उदयपुर की है, लेकिन वर्तमान में जो उनकी प्रसिद्ध है तो मूल रूप से ये उदयपुर की गणगौर है, लेकिन वर्तमान में ये जोधपुर की प्रसिद्ध है। इस दिन जो महिलाएं होती है, इस दिन महिलाएं क्रांतिकारी पुरुषों की वेशभूषा पहनकर और हाथ में बैंत लेकर गणगौर खेलती हैं। यानी इस दिन क्रांतिकारी, इस दिन महिलाएं, यानी मुख्य रूप से त्यौहार है महिलाओं का। इस दिन महिलाएं क्रांतिकारी पुरुष की वेशभूषा धारण करके हाथ में बैंत लेकर गणगौर खेलती है। आपने कहा याद करना है, ये आपकी खबर है। एक तो आती है चैत्र शुक्ल द्वितीया को, और चैत्र शुक्ल तृतीया को, और एक आती है गीता गणगौर के नाम से। खाली गणगौर आती है वो चैत्र शुक्ल तृतीया को, और गीता जो गणगौर आती है वो आती है वैसा कृष्ण तृतीया को। उसके बाद जो अपना अगला त्यौहार वो है अक्षय तृतीया या आखा तीज। फिर अपना अगला त्यौहार है फाका तीज, इसी का दूसरा नाम है अक्षय तृतीया, और ये आता है वैशाख शुक्ल तृतीया को। गीता गणगौर आती है वो कृष्ण तृतीया को, यानी वैशाख कृष्ण तृतीया को, और फाका तीज या अक्षय तृतीया का त्यौहार आता है वैशाख शुक्ल तृतीया को आता है। इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस भी है। 1488 में बीकानेर की स्थापना हुई थी, वो भी आखा तीज के दिन, और माँ कन्या माता के आशीर्वाद से हुई थी। इस दिन परशुराम जयंती मनाई जाती है, यानी आखा तीज के दिन ही परशुराम जयंती मनाई जाती है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य हेतु अक्षय तृतीया का व्रत रखती है, यानी आखा तीज का व्रत रखती है, इसीलिए इसे अक्षय तृतीया भी कहते हैं। अक्षय यानी अमर रहने वाला, अक्षय रहने के लिए महिलाएं अखंड सौभाग्य हेतु व्रत रखती है। इस दिन का प्रमुख भोजन होता है खीच। खीच यानी बाजरे की खिचड़ी बनाई जाती है। बाजरे को कूट कर या साफ प्रकार के धान मिलाकर खिचड़ी बनाई जाती है, और गलवाणिया एक तरल पदार्थ होता है, इमली का रस भी काम में लिया जाता है। खीच और इमलाना इसमें काम में लिया जाता है। यानी इस दिन जो प्रमुख भोजन होता है इसे सामा खिचड़ा के नाम से भी जाना जाता है। खीच यानी खिचड़ी, इसकी बाजरे की और बलवानी एक तरल पदार्थ होता है, यानी इमली का रस के रूप में जो काम में, यानी खीच और इमली का रस इस दिन प्रमुख भोजन होता है। और इस दिन राज्य में बाल विवाह अधिक संपन्न होते हैं। आखा तीज के दिन शादियाँ भी अधिक होती है, लेकिन बाल विवाह यानी शादी की उम्र से पहले उनकी शादी करवा दी जाती है, तो इस दिन राज्य में बाल विवाह भी अधिक मात्रा में यानी अधिक संपन्न होते हैं। तो ये है अपनी अक्षय तृतीया। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। इस दिन बीकानेर का स्थापना दिवस है, परशुराम जयंती है। इस दिन महिलाएं अखंड सौभाग्य है तो व्रत रखती है, और इस दिन का प्रमुख भोजन होता है खीच और गलवाणी तरल पदार्थ है, खीच यानी खिचड़ी, और इस दिन राज्य में बाल विवाह अधिक संपन्न होते हैं। अब अपना अक्षय तृतीया यानी वैशाख शुक्ल में आती है, और शुक्ल का अंतिम दिन होता है पूर्णिमा। तो अब आएगी वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा और पीपल पूर्णिमा, अपने राजस्थान में इसको पीपल पूर्णिमा के नाम से भी या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं।
यानी ये मनाई जाती है वैसाख महीने की पूर्णिमा को, वैसाख जो महीने की पूर्णिमा होती है वो वैसाख महीने का अंतिम दिन होता है। इसे पीपल पुन्नी के नाम से भी जानते हैं और ये आती है वैसाख महीने की पूर्णिमा को। इस दिन मातृकुंडिया एक कुंड है, रासी गांव में है और चित्तौड़गढ़ जिले में है, वहाँ मेला लगता है इस दिन पीपल पुन्नी के दिन। और मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है, मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं, मातृकुंडिया को मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। मातृकुंडिया का निर्माण परशुराम यानी भगवान परशुराम ने करवाया था। परशुराम के हाथों गलती से अपनी माता की हत्या हो गई थी और प्रायश्चित करने के लिए उन्होंने कुंड का निर्माण किया था जिसका नाम था मातृकुंडिया। तो मातृकुंडिया का निर्माण भगवान परशुराम ने करवाया था अपने माँ के नाम पर, गलती से उन्होंने अपनी माँ की हत्या कर दी थी और उन्होंने प्रायश्चित करने के लिए मातृकुंडिया नाम का एक कुंड बनवाया जिसमें स्नान करने से सभी जो दोष या पाप को मुक्त हो जाते हैं। फिर अगला, इस दिन भील जाति में आती बैंडों की प्रथा है, आती और बैंडों की प्रथा है, यह एक विवाह की प्रथा है। यानी भील जनजाति में हाथी और बैंडो नाम की विवाह प्रथा है वो इसी दिन संपन्न करवाई जाती है। तो ये अपना त्यौहार हो गया पीपल पूर्णिमा, ये आता है वैसाख पूर्णिमा। ये त्यौहार आता है वैसाख पूर्णिमा को। इस दिन राजमी गांव चित्तौड़गढ़ में मेला लगता है। मातृकुंडिया मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। मातृकुंडिया का निर्माण भगवान परशुराम ने करवाया था। इस दिन भील जनजाति में होली का प्रचलित है। इस विवाह में भील जनजाति में हाथों बैंडो नाम की पता है, इसमें दूल्हे को हरज कहा जाता है और दुल्हन को लाठी कहा जाता है और इस दिन ये विवाह संपन्न होता है। इसके साथ ही अपना वैसाख महीना है वो पूर्ण हो गया। फिर अपने आषाढ़ महीने के त्यौहार वैसाख के बाद अगला महीना आता है यानी वैसाख महीने के बाद जो अगला महीना आता है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ महीने की अमावस्या को वट अमावस्या मनाई जाती है। इस दिन वट या बड़ के वृक्ष की पूजा की जाती है। यानी जो वट अमावस्या आती है वो ज्येष्ठ मास की अमावस्या को मनाई जाती है और इस दिन वट या बड़ की पूजा की जाती है। फिर आता है भूत दशहरा, एक पद है दशहरा। इस दिन दशहरे के दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। एक आता है गंग दशहरा, गंग यानी गंगा, गंग यानी गंगा। इस दिन भागीरथ है जो गंगा नदी को पृथ्वी पर लेकर आया था, यानी धरती पर लेकर आया था, तो इसलिए इसे गंग दशहरे के नाम से भी जानते हैं। ये आती है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, नाम देता है दशहरा। तो इस दिन जो गंगा नदी है वो धरती पर लेकर आया था भागीरथ, तो इसे गंग दशहरे के नाम से जानते हैं और ये ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाई जाती है। तो मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। फिर आती है निर्जला एकादशी, ये मनाई जाती है ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। यानी ज्येष्ठ महीने में तीन ही व्रत या त्यौहार आते हैं। पहला आता है वट अमावस्या, दूसरा गंग दशहरा जो ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है, और फिर आती है निर्जला एकादशी। इस व्रत को रखने पर सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसमें यानी निर्जला एकादशी है वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो भीम है पांडवों का भाई था भीम, तो भीम क्या है खाने पीने में एक्सपर्ट था, उसे बड़ा भूखा नहीं रह सकता था, तब वो सभी को क्या करना था एकादशी का व्रत रखना था। सभी पांडव एकादशी का व्रत रखते थे लेकिन भीम की ये व्रत की बात नहीं थी, तभी उसको कहा गया कि यदि आप निर्जला एकादशी का व्रत रख लेते हो तो आपको सभी एकादशी का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो उसी से ही निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। इस व्रत को रखने पर सभी एकादशियों के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो ये अपने होंगे ज्येष्ठ महीने के दो।
वट अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या को, गंग दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को, और निर्जला एकादशी ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को ये त्यौहार मनाए जाते हैं। फिर अपने इसके बाद आएगा आषाढ़ महीने के त्यौहार। ज्येष्ठ महीने के बाद अपने अगला महीना आता है आषाढ़। आषाढ़ महीने में दो व्रत आते हैं, दो त्यौहार आते हैं। एक आती है योगी एकादशी, ये आती है आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। इस दिन देव सहनी एकादशी कहते हैं। आषाढ़ कृष्ण एकादशी जो देव सहनी एकादशी होती है, इस दिन भगवान विष्णु चार माह की निद्रा में चले जाते हैं, चार माह के लिए आराम करते हैं। और जो देवकुटनी क्या होती है, कार्तिक मास की शुक्ल एकादशी को होती है। उसी दिन से मामले का ये या शादी विवाह शुरू हो जाते हैं। तो ये होती है देव सहनी एकादशी। फिर आती है गुरु पूर्णिमा, इस दिन अपने गुरु की पूजा की जाती है। व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, यानी गुरु पूर्णिमा को ही व्यास पूर्णिमा कहते हैं। और ये आती है आषाढ़ महीने की पूर्णिमा। इस दिन महागुरु वेद व्यास जी का जन्मदिन है, जिसने महाभारत की रचना की थी। तो गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा और ये मनाई जाती है आषाढ़ पूर्णिमा को। यानी गुरु पूर्णिमा का एक दूसरा नाम है व्यास पूर्णिमा है, और ये आषाढ़ महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। और इस दिन हमने गुरुओं की पूजा की जाती है। मनाने का कारण ये है कि इस दिन महागुरु वेद व्यास का जन्मदिन माना जाता है। ये अपना साढ़ महीना पूरा हो गया। फिर अगला अपना महीना आता है सावन, और श्रावण के शुक्ल कृष्ण शुक्ल तृतीया से त्योहारों की शुरुआत होती है। और श्रावण का जो पहला सोमवार होता है वो भगवान महादेव को समर्पित है, और जो श्रावण मास का जो पहला मंगलवार आता है वो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिन महिला और पुरुष इन्हें श्रावण के सोमवार महिला और पुरुष दोनों व्रत रखते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो व्रत रखता है कन्याओं को तो अच्छा पति मिलता है, और जो पुरुष रखते हैं उनको अच्छी पत्नी मिलती है, या जल्दी उनकी शादी हो जाती है। तो श्रावण के सोमवार का व्रत रखा जाता है। तो ये अपने आषाढ़ महीने के त्यौहार हो गए, और श्रावण मास के सोमवार और मंगलवार हो गए। अब श्रावण मास के अंदर जो अगले कौन कौन से त्यौहार आते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आषाढ़ के बाद जो अगला महीना आता है श्रावण मास का कृष्ण पक्ष। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष से त्योहारों की शुरुआत हुई थी, और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के त्योहारों की शुरुआत होती है, और श्रावण मास के अमावस्या तक त्यौहार चलते रहते हैं। तो नाग पंचमी आती है श्रावण मास के कृष्ण पंचमी को। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है, सांपों को दूध पिलाया जाता है। तो आती कब है, श्रावण का महीना है, और पक्ष कौन सा है, कृष्ण तिथि है पंचमी को। इन्हें श्रावण मास की कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। सांपों को दूध पिलाया जाता है और सांप की पूजा होती है। फिर नेवला नवमी, नेवला देखा होगा आपने, सांप का शत्रु होता है, और नेवला नवमी आती है श्रावण कृष्ण नवमी को। इस दिन देवली की पूजा होती है। पंचमी को तो सांप की पूजा होती है, और इस दिन नेवली की पूजा की जाती है। नेवला होता है वो सांप का शत्रु होता है, और नेवला नवमी आती है श्रावण कृष्ण नवमी को। फिर दो त्योहारों के अगली आती है अमावस्या, जिसको हरियाली अमावस्या के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि श्रावण का महीना होता है, बारिश होती है, चारों तरफ क्या होती है, हरियाली हरियाली होती है। तो इस दिन पेड़ों की पूजा की जाती है। तो हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या को मनाई जाती है। तो श्रावण महीने में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, इसी हरियाली अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस दिन जो विधवा महिलाएँ होती है वो भी व्रत रखती है। अमूमन विधवा महिलाएँ व्रत कम ही रखती है, लेकिन हरियाली अमावस्या को विधवा महिला भी व्रत रखती है। इस दिन मामले पास अजमेर के अंदर कल्प वृक्ष का मेला भरता है, और इस दिन बूटा जोड़ यानी बूटा जोड़ को श्री गंगानगर में मेला भरता है। बूटा जोड़ नाम का एक मेला है वो गंगानगर में भरता है। कल्याण जी का मेला भी डिग्गी टोंक में भरता है। अगर संतान प्राप्त नहीं होने पर
कल्याण जी की, सॉरी कल्याण जी की पूजा की जाए तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। तो ये अपने राजस्थान की लोकप्रिय पर्व है और कल्याण जी का जो मेला है वो हरियाली महोत्सव को डिक्की टोंक जिले में पड़ता है। तो हरियाली महोत्सव कब मनाई जाती है? श्रावण अमावस्या को। इस दिन विधवा महिलाएं व्रत रखती है और इस मांगलिक इस दिन मांगल्यवास अजमेर में कल्प वृक्ष जो पेड़ होता है उसका मेला लगता है और इस दिन बूटा जोड़ मेला श्री गंगानगर में पड़ता है और कल्याण जी का मेला डिक्की टोंक में पड़ता है। इसी के साथ भी अपने त्यौहार पूरे होते हैं। एक त्यौहार को बच गया तो बिना तिथि के अर्थात वो आता है मकर संक्रांति। एक त्यौहार हो गया मकर संक्रांति, हालांकि वैसे त्यौहार समाप्त हो गए, ये बिना तिथि के त्यौहार आता है। ये आता है अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 14 जनवरी को। तो मकर संक्रांति आती है वो 14 जनवरी को। इस मकर संक्रांति के समय अपने हिंदी महीने के हिसाब से मल मास चल रहे होते हैं। तो मल मास होते हैं वो दान दक्षिणा के महीने होते हैं, उनमें दान अधिक दिया जाता है। तो मकर संक्रांति को मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष 14 जनवरी को मनाई जाती है। 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण यानी दक्षिणायन से उत्तरायण में आता है और इस दिन मकर राशि में प्रवेश करता है, यानी सूर्य जब वो मकर राशि में प्रवेश करता है। यह दान धर्म का त्यौहार है, यानी इस समय अपने हिंदू यानी जो हिंदी महीने के हिसाब से मल मास होते हैं, मल मास में अधिक दान दिया जाता है। मकर संक्रांति जो त्यौहार है उस दान का त्यौहार है। इस दिन पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में पतंग महोत्सव या पतंग उत्सव मनाया जाता है। पतंगों की प्रतियोगिता करवाई जाती है और पतंग उड़ाए जाते हैं। पहले क्या थे, आख आती के दिन पतंग उड़ाए जाते थे, लेकिन वर्तमान में मकर संक्रांति के दिन पतंग महोत्सव या पतंग उड़ाई जाती है। मुख्य अतिथि जयपुर की प्रसिद्ध है, यानी पर्यटन विभाग है जयपुर में पतंग उत्सव मनाता है। कब मनाता है? मकर संक्रांति के दिन। इसे दिन तेरुंडा, तो इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन ही महिलाओं के द्वारा 13 प्रकार की वस्तुओं बांटी जाती है। ये 13 सुहासिनी महिलाओं को बांटी जाती है। सुहासिनी अपने परिवार की महिलाओं या महिलाओं को छोड़कर अन्य महिलाओं को जो होती है उनको सुहासिनी कहते हैं और ये 13 प्रकार की वस्तुएं बांटी जाती है उनको तेरुंडा कहते हैं। क्या कहते हैं? तेरुंडा। यानी मकर संक्रांति के दिन 13 प्रकार की वस्तुएं बांटी जाती है उन्हें तेरुंडा कहते हैं। और इसी दिन रूठी सास को मनाने की परंपरा भी है, यानी मकर संक्रांति के दिन अगर किसी महिला की सास रूठ जाती है तो उसको मनाने की भी परंपरा है। इस दिन महिलाओं के द्वारा अपने सास को सीढ़ियों में चढ़ाया जाता है या सोने की निशंदे से भी उतारा जाता है, ऐसी परंपरा है। और अपने अपने निहाल में जाकर उनको उठाया भी जाता है, यानी जगाना भी बोलते हैं। यानी ननिहाल में नानी ससुर जी को या मामे ससुर जी को जगाया जाता है, जिसको कहते हैं संक्रांत जगाना। तो ये अपना त्यौहार हो गया मकर संक्रांति। 14 जनवरी को सूर्य उत्तरायण में होता है और मकर राशि में प्रवेश करता है। ये दान दक्षिणा का महीना है और इस दिन पर्यटन विभाग द्वारा जयपुर में पतंग उत्सव मनाया जाता है और रूठी सास मनाने की भी परंपरा है। और तेरुंडा, 13 प्रकार के उसके जो बांटे जाते हैं उन्हें तेरुंडा कहते हैं। और एक आता है धमोली। धमोली तीज का जो व्रत करते हैं उससे पहले सूर्य उदय से पहले जो भी आहार दिया जाता है उसे धमोली कहते हैं। क्या कहते हैं? धमोली। तीज का व्रत रखने से पहले अगर महिलाएं सूर्य उदय से पहले कुछ आहार करती हैं उसे धमोली कहा जाता है। इसी के साथ ही अपने त्यौहार वो क्या होते हैं? समाप्त होते हैं। त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावण मास के शुक्ल तृतीया से और श्रावण मास की अमावस्या तक चलते हैं। अपने भारत में 4 प्रकार के कैलेंडर चलते हैं, ग्रिगोरियन, शक संवत, विक्रम संवत और हिजरी संवत मुस्लिमों का। और जो अपने जितने त्यौहार आते हैं वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आते हैं। इसी के साथ ही हमारे त्यौहार समाप्त हो गए। अपन फिर भी नहीं किसी अन्य टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमसे जुड़े रहिए और मेले और त्यौहार पढ़ते रहें।